यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से केंद्र की सत्ता से बाहर निकालने की कवायद में जुटा है। इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी महागठबंधन करने की कवायद में जुटे हैं कि तीसरा मोर्चा बनाया जाएगा जिसकी अगुवाई वो खुद भी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की सुगुआहट देखी जाती है, लेकिन देश की करीब करीब आधी लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी को सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर लेनी ही पड़ेगी। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से हटाने का ख्वाब देख रही है, लेकिन अकेले नहीं, सहयोगियों के साथ। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महागठबंधन खड़ा करने की कवायद में हैं। फिर भी देश के कुछ अहम राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे प्रदेशों को छोड़कर बाकी जगहों पर कांग्रेस को बीजेपी से सीधी टक्कर लेनी ही होगी। सियासत के हिसाब से इन बड़े राज्यों में तकरीबन 354 लोकसभा की सीटें हैं। यहां तो कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी का मुकाबला करती दिखाई दे रही है, लेकिन देश की बाकी तकरीबन 189 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का बीजेपी से सीधा आमना सामना होगा। वहीं एक पक्ष ये भी है कि कांग्रेस भले ही महागठबंधन के भरोसे बीजेपी को मात देने का सपना देख रही है, लेकिन इसका असली फायदा बड़े राज्यों में या तो मजबूत क्षेत्रीय दलों को होगा या बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस वहां लड़ेगी नहीं। ऐसे में महागठबंधन की कवायद कांग्रेस के लिए उसका दायरा समेटने की गलती भी हो सकती है। महागठबंधन से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बात तो साफ है, देश की तकरीबन 200 या उससे ज्यादा सीटों पर राहुल गांधी को मोदी से सीधी टक्कर तो लेनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। बिल्कुल, करीब करीब 200 सीटें ऐसी होंगी पूरे के देश के मिला ली जाए लोकसभा की, जिनमें सीधे नरेंद्र मोदी और राहुल की टक्कर होनी है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होगी। अभी महागठबंधन तो कर लिया गया है, लेकिन 2019 तक जाते जाते कितना कामयाबी रह पाएगा, सीटों को लेकर कितना झोल देखा जाएगा और इस रणनीति के सहारे राहुल कितने कामयाब हो सकेंगे, चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान साहब का स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढिंगरा साहब है हमारे साथ। इनेलो से प्रवक्ता जोगी राम जी हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नवीन रमन जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादू जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। केवल ढिंगरा साहब, क्या लगता है कि राहुल जो हैं मोदी को चुनौती दे पाएंगे 2019 में? देखिए, जो अगला चुनाव होगा वो मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्युनल वर्सेस सेकुलर होगा, और उस चुनाव में जो होगा वो ऐसा चुनाव होना चाहिए कि जिस तरह एक तरफ विकास और प्रगति जो जिन लोगों ने की, और दूसरी तरफ जिन्होंने जातिवादी दंगे भड़काने का, कॉम्युनल आपस में भिड़ाने का, इसका चुनाव होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पिछला चुनाव हुआ था वो 10 साल का मनमोहन सिंह जी का विकास था जिसके ऊपर चुनाव हुआ था, लेकिन वहां पे बीजेपी ने इससे बड़े वायदे किए थे, अच्छे दिन की बात की थी और लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आने का वायदा किया था और बड़े बड़े वायदे किए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के विकास को लेकर उनका 10 साल का जो दो टेन्योर जो रखे, 10 साल का कार्यकाल जो रहा, उसके नाम पर अगर चुनाव लड़ा गया तो भी कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब रही, तो विकास के नाम पर तो आप लोग ज्योति जी ऐसा नहीं कह सकते। आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल था वो विकास के नाम पे कार्यकाल था। आप देखिए, जितने हाईवेज बने उस टाइम के अंदर, जितनी इंडस्ट्रीज आई उस टाइम के अंदर, जितने बिजली के कारखाने लगे पूरे भारत वर्ष में, जितना प्रगति हुई वो सारे उस 10 साल के कार्यकाल में हुए। लेकिन वो 10 साल के कार्यकाल के बाद एक मोदी जी के जो भाषण थे, आप उनको अगर देखें अच्छे से, तो उसके अंदर एक अच्छे दिनों के और इससे भी ऊपर वायदे थे और क्रिटिसिज्म था कि विकास जो है कम हुआ। लेकिन नंबर आप लोगों का साथ नहीं देते हैं, आंकड़े आप लोगों का साथ नहीं देते।
लेकिन मोदी जी के जो लोगों को अच्छे दिनों के वायदे थे वो इन 4 साल के अंदर वो धूमिल होते दिखाई दिए, और हमारा राज जो है उस कंपैरिजन में आज फिर दोबारा वही दिख रहा है कि हमारे राज के टाइम पे काम ज्यादा हुआ। लेकिन जहां मोदी ने अब तक जो 4 साल के अंदर काम किया वो ये हुआ कि कॉम्युनल चीजें सारी हुई, जिस तरह से जातिवादी दंगे सारे प्रदेशों में हुए, जिस तरह से सारे देश के अंदर एक दूसरे को लड़ाने की और विकास का नाम कहीं है ही नहीं, दंगे करवाए, विकास करवाया नहीं गया, और इसी के चलते कांग्रेस जो कि 2019 में आएगी सत्ता में। पहली बात तो ये कि विकास के नाम पर अगर इनकी सरकार के आंकड़े, इनके कार्यकाल के 10 साल के आंकड़े उठा लीजिए और नरेंद्र मोदी साहब की 4 वर्ष के कार्यकाल के आंकड़े ले लीजिए, इन आंकड़ों पर इसी स्टूडियो में बहुत बार चर्चा हुई है, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, उन विकास के आंकड़ों में ये पिछड़ते हैं। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि अगला चुनाव कम्युनल वर्सेस अदर्स होगा, सेकुलर्स होगा, उसमें भी ये पिटते हैं। कम्युनल कौन है? कम्युनल वे हैं जो कर्नाटक का चुनाव लड़ते हुए ऐसे इस्लामिक संगठनों का साथ लेते हैं जिन पर, देखिए बीच में ना बोले आप, बीच में ना बोले आप, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, ज्योति जी तो रोक लीजिए, देखिए ये तो तरीका नहीं, जिन्होंने कर्नाटक में सांप्रदायिक इस्लामिक ताकतों का खुला समर्थन लिया, सांप्रदायिक वे हैं, सांप्रदायिक वे मनमोहन सिंह थे जो ये कहते थे कि देश के रिसोर्सेज पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, सांप्रदायिक वे लोग हैं जो हाफिज सईद आतंकी को हाफिज साहब कहते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि सांप्रदायिकता का कार्ड ये पहले खेल के देख चुके हैं, उसको ही खेलेंगे तो भी पिटेंगे, और विकास के मामले में भी आंकड़ों में तथ्यों में हम इनको धोएंगे। एक मिनट धींगड़ा जी, गलत बात धींगड़ा जी, एक मिनट मुझे कह लेने दीजिए, आप देख लीजिए, एक मिनट धींगड़ा जी अपनी बारी में बोल लीजिएगा ना, आप मेरी बारी में क्यों बोलते हैं। दूसरी बात यह है, ये जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं हम उसको गठबंधन मानते नहीं, हम उसको कहते हैं कि वो ठग बंधन है, देश के मतदाता को और उस मतदाता का जो देश है दोनों को ठगने के लिए डरे हुए लोग, नकारे हुए लोग, हारे हुए लोग वो इकट्ठे आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने विकास नहीं किया ऐसा ये कहते हैं, एक क्षण मुझे मेरी बात करने दीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, ज्योति जी मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2014 से लेकर आज तक ये जो हारे नकारे हुए लोग हैं, कुछ उपचुनावों को छोड़कर जनता ने इनको लगातार हराया है, और नरेंद्र मोदी जी के कारवां की बल्ले बल्ले की है, जय जय की है, ये सच्चाई है कि नहीं ये लोग जानते हैं। और ये कौन लोग इकट्ठे आए हैं? जो भ्रष्टाचार के भय में इकट्ठे आए हैं। अगर ये तगड़े लोग होते, अगर ये बहुत ताकतवर लोग होते, बड़े लोकप्रिय लोग होते, तो ये अपनी अपनी डफली अलग अलग बजाते निश्चित रूप से, क्योंकि इनकी विचारधारा मिलती रही। एक मिनट धींगड़ा जी, बीच में सुन लिया हमने, आपको भी सुन लिया हमने, सारे आप सुन लीजिए, दोनों सीटों पे हार से लेकर आपकी हार हुई, से लेकर सीट पे आपकी हार हुई, 18 के बीच में दुर्गति का शिकार हुए, सब हो गई कांग्रेस के अंदर, जिस नेता की अगुवाई में कर्नाटक और पुदुचेरी और पंजाब में सीमित हो गए, आपने उस नेता की अगुवाई में हमसे लड़ोगे, जिस राहुल गांधी क्या हुआ, आपकी सीटें सारी देख ली होगी, फिलहाल जिस राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस कर्नाटक पुदुचेरी सारे राजा करके खड़े हो गए,
जनता ने आपको बता रखा है। ये चर्चा का कौन सा तरीका है? पांच मेहमान हमारे साथ हैं, सभी को बोलना है पहला कमेंट के लिए। ज्योतिराम जी, कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलें आप देख रहे हैं? दोनों ही कम्युनल पार्टी है, सेकुलर कोई सी नहीं है जी। आपने इनका झगड़ा भी देख लिया, दोनों कम्युनल है कि नहीं? आप सबसे बड़े जातिवादी दल से आते हो, आप चुप रहिए। मैं चुप रहा हूँ कल में, और मैं बोलना शुरू कर दूंगा ना, आप बोल नहीं पाओगे। चुप रहिए, चुप रहिए, आप बोल नहीं पाओगे। कम्युनल से बता देता हूँ, बहुत घनघोर जातिवादी दल से आते हैं। आप अभी बोल रहे थे पिटेंगे धरेंगे, इससे ज्यादा अहम किस पार्टी में है? हम नहीं, अभी जनता ने धोया है आपको, फिर धोएगी जवाब आने दीजिए ना सर, आपको वक्त दिया गया अभी। आप ये देखिए, आपका राज्य एक सीट के लिए क्यों चला गया था? एक वोट के लिए इसलिए गया था कि आप जब राज्य में आते तो अहम पे आ जाते हो। सीबीआई का मिसयूज दोनों पार्टियों ने किया, पहले कांग्रेस ने किया फिर बीजेपी ने किया, और ये कभी कहते हैं कि उनको धरेंगे कभी कहेंगे पिटेंगे, इससे ज्यादा अहम क्या हो सकता है? पहले तो शब्दों के अर्थ नहीं मालूम क्या? राजनीति में आओ, शब्दों के अर्थ नहीं जानते क्या? पहले तो शब्दावली आप, ठीक आपको शब्दावली ठीक मालूम नहीं क्या? आप गलत अर्थ निकालेंगे, कुछ भी बोलते क्या? आपकी धुनाई होगी, आपकी राजनीतिक धुनाई ये है जोगीराम जी, इन शब्दों के अर्थ नहीं मालूम आपको। लड़ेंगे नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी, तिकोना इलेक्शन होगा ये, क्योंकि जो वोटे है ना कांग्रेस की बीजेपी की एक ही है। मायावती तो कांग्रेस के साथ है, मायावती तो कांग्रेस के साथ। कल एमपी का देखो आपने, उनके प्रेसिडेंट ने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्हें कहा हम अकेले लड़ेंगे और सारी सीटें। अभी जो कांग्रेस है ना वो ये कह रही है दूर नहीं है। स्टेटमेंट देखिए एमपी में बीएसपी के प्रेसिडेंट ने मध्य प्रदेश को लेकर साफ किया गया, जब यूपी का समय आएगा यूपी में स्टेटमेंट आएगी, और ये तिकोना होगा क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की वही वोटें हैं। कांग्रेस की वोटें केवल बीजेपी को ट्रांसफर हुई थी तभी बीजेपी बन गई थी। ये तिकोना इलेक्शन होगा और नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी होगा, थर्ड फ्रंट आएगा और इनके बारे में पता होगा इनके सिल्ट क्या है, आएंगे आपके पास एक बार फिर से जवाब लेंगे। जाधौन साहब, जहां जहां क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं कांग्रेस वहां पर गठबंधन कर लेती है, महागठबंधन का नाम भी इसे दिया गया है, लेकिन जहां सीधे मुकाबला बीजेपी के साथ है वहां कितनी मुश्किल घड़ी होगी कांग्रेस के लिए? देखिए सीधे मुकाबले में तो कुछ कहना मुश्किल है अभी कि क्या परिस्थितियां बनती है चुनाव आने तक। तो बीजेपी का भी अपना एजेंडा है, वो अपना काम भी कर रहे हैं, और कांग्रेस की अपनी परिस्थितियां थी, और लोगों ने जो है 10 साल का शासन देखने के बाद फैसला 2014 में जो किया था। लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ जहाँ गठबंधन होंगे वहाँ बीजेपी को सेकंड लाइन पर ही रहना पड़ेगा। जैसे कर्नाटक का जो उदाहरण आपके सामने है कि कर्नाटक में कम सीटों वाली पार्टी लीड कर रही है सरकार को, और कांग्रेस को जो है इस तरह समझौता करना पड़ा। बिहार में भी वो महागठबंधन हुआ तो वहाँ किस तरह से कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना पड़ा। विधानसभा है, लोकसभा में भी वही जवाब आने वाले हैं। क्षेत्रीय दल जहाँ प्रभावी है वहाँ कांग्रेस को सेकंड लाइन में समझौता करना पड़ेगा, और जहाँ सीधे मुकाबले में है वहां अभी परिस्थितियां और बनने दीजिए कि क्या सामने आता है, तस्वीर क्या बनती है। ठीक है, देखिए कि सरकार जो पावर में रहती है उसकी एंटी इनकम्बेंसी तो काम करती है, चाहे सत्तारूढ़ दल ये कहता रहे कि हम तो काफी अच्छे हैं और हमने काफी अच्छा काम किया है। तो देखिए यूपीए सरकार भी ये कहती थी कि हमने 10 साल में बड़ा काम किया, और काम भी उनके लिए गिनती कराने वाले काम भी थे काफी, और पहले बीजेपी वाजपेयी सरकार ने भी बहुत काम किया था और उनके पास भी बड़े काम थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना लाए, परमाणु विस्फोट करवाया, वो लाहौर यात्रा पर चले गए पाकिस्तान से। तमाम होते हुए भी और फील गुड के नारे के साथ भी बीजेपी को, बीजेपी अलायंस को पावर छोड़नी पड़ी। तो अभी कोई बहुत ज्यादा अति उत्साहित होने की क्या जरूरत है, अभी तो ये देखने की जरूरत है कि तस्वीर क्या बनती है, कि अभी पूरा करीब 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 1 साल का समय है और परिस्थितियों का कोई वो नहीं, 2 महीने में भी और 1 महीने में भी। महागठबंधन के सहारे आप लोगों की नैया पार लग जाएगी। अब खबरें ये हैं कि 2 ही सीटें आप लोगों को यूपी में दी जाएंगी लोकसभा के, जिसमें रायबरेली और अमेठी शामिल है, क्या इतना बड़ा समझौता कर लेगी कांग्रेस? देखिए ये अभी कोई तय नहीं है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 24 टोटल अगर स्टेटें हैं पूरे भारतवर्ष में तो करीबन 9-10 में गठबंधन है हमारा, बाकी में तो हम इंडिपेंडेंट, सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ होगा। और आपको ये भी बता दूं, मैं सीधे मुकाबले के अंदर आप देखना इसको रिवर्ट,
आप इसका रिवर्ट देखेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो काम बोले थे, आवाजें बहुत ऊंची ऊंची थी, वो सारी खत्म हो गई। आज शिवसेना बीजेपी से अलग थलग हो गई, आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता एमपी सभी अलग हो गए। धर्मवीर हरियाणा से ये कहते हैं कि मैं एमपी का, मैं कोई काम नहीं कर पाया इसलिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये भिवानी के एमपी का खुद वर्डिक्ट है। आपको इसी तरह से बता दूं, हर एक स्टेट के अंदर बीजेपी का इस समय हालत गोल हो रखी है। आप जितने उपचुनाव आए, आपने लोकसभा की सीटें तय कर ले, देख ले जितनी सीटें आई कांग्रेस जीत रही है सारी सीटें इनको। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, हकीकत ये भी बताना चाहूंगा, जो गठबंधन है, हकीकत तो गठबंधन जो होगा वो स्टेट वाइज तो हो सकता है, लेकिन लोकसभा में गठबंधन में हमारा सबसे बड़ा दल होगा और वो हमारे एलाई होंगे, और यूपीए दल जो है वो सबसे बड़ी सरकार बनाएगा। आपको ये भी बात कह रहा हूँ मैं, यूपीए कहा मैंने, यूपीए कहा मैंने, यूपीए का सवाल, यूपी का जवाब देने तो यूपीए को लेकर आपने कहा, यूपीए को लेकर आपने कहा, आपने अपने अलायंस को लेकर कहा, लेकिन यूपी को लेकर सवाल बरकरार है। नवीन जी क्या लगता है? मैं आपको बता देता हूँ, यूपी वाली बात मैं कर देता हूँ। आज आज कोई इस बात पर चर्चा नहीं है, जिक्र अभी अभी खबरें ये है कि दो ही सीटें दी जाएंगी। देखिए अभी अभी आप कैसे कह सकते हैं कि थोड़ी देनी या ज्यादा देंगे? अभी वहां पे 80 सीटें, मेरी बात सुनिए, यूपी में 80 सीटें हैं, अभी कैसे कह सकते हैं कि उसमें दो देंगे, चार देंगे, दस देंगे, ये कौन कह रहा है? ये तो अभी तय ही नहीं हुआ। जब हमारी स्थिति बात होगी उसके अंदर तय होगा कि हम कितनी सीटों पे कैसे चुनाव लड़ेंगे। आज ही ये कहने का क्या मतलब है? आज एक साल पड़ा है चुनाव को, लोकसभा कितनी सीटों पर जो पार्टी जीती चौहान साहब, और या फिर कहने की रनर अप जो रखी है पार्टी, उसको वही सीटें दे दी जाएंगी गठबंधन की। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो तथाकथित गठबंधन है, पहली बात तो इसकी कोई शक्ल सूरत आज भी नहीं है। हालत ये है कि मायावती सोनिया गांधी जी के साथ गलबाइयां डाले हुए हैं, और हमारे जोगीराम जी कह रहे हैं कि हम मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उधर वो कह रहे हैं, एक मिनट जोगीराम जी प्लीज, वही होता है जोगीराम जी, सुनते देवीलाल जी ने जोगीराम जी सुनो, जोगीराम जी कर लियो, हमारी हालत होगी ऐसी तो करोगे, वो ही होगा जोगीराम जी कर लियो, पर वो दिन तो आवे, वो तो हालत तो नहीं है। तकलीफ क्या है जोगीराम जी? जोगीराम जी सुन लो, जोगीराम जी, जोगीराम जी मायावती देश की प्रधानमंत्री होंगी, ये कहते हैं जोगीराम जी की पार्टी के नेता। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, ये कहते हैं धींगड़ा जी। तो कुल मिलाकर ये होगा। आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हो चौहान साहब? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी होंगे, मैं कह रहा हूं ना, कैसे कह रहा हूं ना, नरेंद्र मोदी को जिताएगा तो प्रधानमंत्री की बात सब है। उन्होंने नहीं, आप जुमले में बात कर रहे हो, मोदी जी इतने जुमले छोड़ लिए, अभी भी जुमले छोड़ने के लिए बैठे हो, मेरी बात आप सवाल करते हो, मेरी बात आप बात आप मेरी बात सिस्टम तय कर दोगे आप क्या करने वाले हो? नवीन जी अभी मेरी सारी बात पूरी हो रही है, चुनाव हार रहे हो, मुझे एक बार मेरी बात पूरा हो जाए। 10 सेकंड आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनमें ये कंफ्यूज्ड कंपनी है, इनको स्पष्ट नहीं है इनका नेता कौन होगा। अभी धींगड़ा जी ने कहा राहुल गांधी नहीं होंगे, मैंने कब कहा? अभी कहा आपने, मेरे मुंह में वर्ड डाल रहे हो, मैंने वो कहा, मैंने कब कहा कि आप बोल रहे हो कि राहुल गांधी इनके होंगे, मेरे वो होंगे, तेरे वो होंगे, अभी किसी का तय नहीं है। मैं कह रहा हूं देखिए, मैं अभी कुछ भी तय नहीं है, अभी एक साल पड़ा, सुन तो लो। हाँ यही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ भी तय नहीं है। अभी कब कहा फिर आपने? अभी आपने कहा ना, सुन तो लो भाई, आपका कुछ भी तय नहीं है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आपका भी तय नहीं है, यही क्यों है? आपका भी सवाल यही है, मारते जा रहे हो। अगर ये सवाल किया गया कि कर्नाटक चुनाव से पहले राहुल गांधी ये मान लेते हैं कि 2019 में अगर सत्ता में आए तो वो पीएम बनने को तैयार है, ये गलत बात है, पीएम बनने को तैयार है सर, ये बात ऐसा है, राहुल गांधी का पीएम बनने का हिसाब से बनने को तैयार है राहुल गांधी, तैयार अभी केवल ये ऐसा है कि ये हमारा जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, मुझे आपने सिस्टम कैसे चलेगा, मुझे कोई कोई बात तय नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके पास, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इससे कौन पहले कहते हैं, इससे कौन मना कर रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है? मैं कह रहा हूं कि आप उनको प्रधानमंत्री अभी कैसे कह सकते हैं? ना तो ज्योति जी ये कह सकती हैं, ना ये चौहान साहब कह सकते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, देखिए मेरी राहुल जी ने यह कहा कि अगर हमें जनता चुनेगी,
तो मैं भी बन सकता हूँ। ये कहा उन्होंने सर, मैं भी बन सकता नहीं। अगर सत्ता में आए, अगर हम सत्ता में आए तो मैं भी बन सकता हूँ। केवल एक बार, ऐसा है कांग्रेस के सामने स्थिति साफ ही ना दिख रही है कि वो खुद मानने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी उनके नेतृत्व में आगे चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री। आपने तो स्वीकार किया अभी, हमने कभी स्वीकार किया। ये देखिए कांग्रेस हमेशा फ्रंट फुट पे होती थी, इस बार गठबंधन में कांग्रेस के सामने स्पष्ट है कि वो साफ नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी होंगे। आप कहिए ना कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये गठबंधन आगे बढ़ेगा। वही बात, आप बात को गलत प्रेजेंट क्यों कर रहे हो नवीन जी? अभी उनको भी नहीं गठबंधन में हो, राष्ट्रीय दल उनके एक मिनट पहला कमेंट है सर, राष्ट्रीय दल जब से शुरू की गई, राष्ट्रीय दल जब मांगा गया है समय दीजिए, राष्ट्रीय दल जब क्षेत्रीय गठबंधन क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करता है तो सीधी सीधी रणनीति ये होती है कि क्षेत्र के स्तर पर वो क्षेत्रीय दल को बढ़ावा देगा और राष्ट्रीय स्तर पर खुद को आगे फ्रंट पे रखेगा। पर आप यहाँ उल्टा उल्टा कर रहे हैं। आप भी जानते हैं जैसे ही कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करेगी आधे से ज्यादा गठबंधन टूट जाएंगे। पत्रकार जो पैनल पर बोलते हैं सर, उसको धैर्य के साथ सुनिए। अगर दिक्कत है आधे से ज्यादा गठबंधन टूट जाएंगे जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ नेता को लेकर ये लोग कंफ्यूज हैं। अभी डिबेट में बात सामने आ गई। कुल मिलाकर वो लोग इकट्ठे हुए हैं जिनका कोई विचार एक दूसरे से मिलता नहीं, जिनका जिनकी विचारधारा इनके अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ लें व्यक्तिगत इन दलों के एक एक करके तो एक दूसरे के खिलाफ सब कुछ है उसमें। कौन कहता है? एक जोगीराम जी से अपने आप ये हमारी हवाई को रोक लिया। कहानी बोल के ज्योति जी ने बीजेपी का अपना आधार क्या है, अपना सिस्टम क्या है, वो दूसरे के ऊपर आसान रहेगा चर्चा में आप सबके लिए भी, दर्शकों के लिए भी आसान रहेगा। हम विषय पर बोलेंगे एक एक करके बोलेंगे। जोगीराम जी जितना झूठ बीजेपी बोलती है वो बोलते हैं। प्लीज मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, अपनी बारी भी बोलिएगा। मैं फिर कहता हूँ इन राजनीतिक दलों के जो ये ठगबंधन बना है इनके इनके घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए प्रभु। जो ये जमावड़ा इकट्ठा हुआ है भानुमती का कुनबा, इनके घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज खूब खिलाफ में लिखा हुआ। अब बीच में मत बोलो ना जोगीराम जी, बीच में मत बोलो जोगीराम जी, जोगीराम पत्र में गाली गलौज क्यों लिखता है जोगीराम जी? अगर आप देखिए ज्योति जी अगर मुझे मेरी बात नहीं कहने देनी तो मैं बोल जाता हूँ, आप गाली गलौज बोलेंगे बीच में क्या? जोगीराम जी बोलते नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आपको समय दिया जाएगा, आप अपनी बात को तब कहिएगा जब आपसे जवाब मांगा जाए। वीरेंद्र चौहान साहब 20 सेकंड में अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। ज्योति जी पहली बात तो ये 20 सेकंड का सिद्धांत मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो बोलते रहे अपनी बारी में और मेरी बारी आई तो 10 और 20 सेकंड आपको याद आप हमारी बारी में क्यों बोलते हैं? बीच में आप हमारी बारी में क्यों बोलते हैं? बुलवा लीजिए, चलिए ठीक है। आप हमारी बारी में क्यों बोलते हैं? आज मैं बोल हूं इनको कर दीजिए, मैं बैठा हूं, आपको भी चुप रहना है ना हमारी बारी में। मुझे मेरी बात कहने नहीं देगा कोई। वीरेंद्र चौहान साहब आपको ही तो समय दिया गया है, आपको ही तो समय दिया गया है सर, अभी पैनल पर आपके सिवाय कोई और नहीं बोल रहा सर। इस पूरी डिबेट में भाजपा कांग्रेस तो बोले हम लोगों को मौका कहां मिला बोलने का? जल्दी चौहान साहब देखिए, मैंने पहले कहा इन सबकी राजनीतिक जो घोषणा पत्र है जो इनकी नीतियां सभी दलों की वो एक दूसरे के खिलाफ है। इन दलों के शिखर नेता एक दूसरे की शक्लें तक कल तक देखने के लिए तैयार नहीं थे। केवल इंग्रेस साहब मैं म्यूट करवाऊंगी सर, देखिए ये कल तक फिलहाल रुकिए सर, आप जवाब दीजिएगा ना, आपको समय दिया जाएगा, आप जवाब दीजिएगा। चौहान साहब जल्दी बात पूरी कीजिए। ये एक दूसरे की शक्ल तक देखने के लिए तैयार नहीं थे, ये इन दलों की दुर्गति का ही प्रमाण है।
ये इन दलों के अगुआ कांग्रेस जो कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होता था ठीक है उसकी दुर्गति का आगे बढ़ूंगी। फिर ज्योति जी मैंने क्या कहा तीन वाक्य बोलने दिया नहीं नहीं आप तो मुझे कोई बात कहने देंगे क्या ये तो कोई तरीका नहीं है अमित शाह जी नहीं नहीं फिर मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा मैं किसी को भी नहीं बोलने दूंगा फिर आप बताइए ना आपने मुझे दो वाक्य मैं आई कैन प्रूव इट ये रिकॉर्ड पर है ये रिकॉर्ड पर है जो आप डिसाइड कर रहे हो ना आप गलत डिसाइड करोगे तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा आप अगर गलत आप मुझे मेरी बात पूरा नहीं होने देंगे अगर समय खराब आप भी बोलेंगे और ये भी टोकेंगे काम ही आपके सामने हो रहा है मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुर्गति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि वो देश की आधे से अधिक सीटें वो छोटे दलों को उनके सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है अमित शाह सभी दलों में क्यों ढूंढते फिर रहे हैं सारे पूरे देश में इन्हीं को बुलवा लीजिए फिर मैं नहीं बोलूंगा पूरे देश में घूम रहे हैं मुझे गलबैया डालते हुए अमित शाह को घूम रहे हैं केवल ढींगरा साहब को म्यूट किया जाए पीसीआर से भी रिक्वेस्ट है केवल ढींगरा साहब को म्यूट किया जाए हर उस गेस्ट को म्यूट किया जाए जो कि दूसरे के बारे में बोलता है अभी साफ है चौहान साहब आगे बढ़ लें चर्चा दूसरी बात ये कि जिस नेता के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ना चाहते हैं 2019 का अभी हाल कांग्रेस के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उसको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दे आज की इस डिबेट में ये बात साबित हो गई देश का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल था उसकी स्थिति ये हो गई कि वो अपने नेता को नेता मानने के लिए तैयार आगे बढ़ने डिबेट जो बिल्कुल बड़ी है ना मैंने कब अगर मजबूरियों का गठबंधन किया जाएगा आपको लगता है 2019 तक टिक भी पाएगा उसमें आप लोग भी हैं बीएसपी के साथ या फिर कांग्रेस ने जो कवायद छेड़ रखी है महागठबंधन का जिसे नाम दिया गया था पहुंचेगी 2019 तक देखिए ज्योति जी मजबूरियों का गठबंधन नहीं है ये जिसको बड़ा दल कहते हैं ये भी चार पांच ही हुआ करते थे जो आज कहने लगे हम बड़े दल हो गए हैं बड़ा दल होने में कोई टाइम नहीं लगता कौन बड़ा हो जाता है कौन छोटा छोटा होने में भी टाइम नहीं लगता जमीनी हकीकत पर बात कर लीजिए आप सुनिए जैसे ये है विश्वासघाती पार्टी सबसे पहले इन्होंने जहां भी देखा चौधरी बंसीलाल जी को इन्होंने बीच में छोड़ा 19 की बात कर ले आप बीच में क्या बोल रहे हो आप 19 की बात कर लेकिन छोड़ा 19 की शिवसेना को इन्होंने दरकिनार किया बादल साहब को इन्होंने पूरे जितना टाइम चला दुखी किया और ये हमारी पार्टी ने इन पे विश्वास किया था हमारी पार्टी को भी इन्होंने जब ये आप लोगों ने आए, आप लोगों ने एनडीए का साथ देने के लिए बीएसपी को नहीं छोड़ा क्या आप लोगों ने बीएसपी को नहीं छोड़ा जैसे ही चुनाव के परिणाम आए आप लोग एनडीए के साथ चले गए लेकिन हमने अब ये डिसाइड कर लिया है कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस थर्ड फ्रंट आएगा थर्ड फ्रंट के पास पूरी सीटें आएंगे पूरी ताकत है थोड़ी देर पहले फोर्थ पार्टी हमारे थर्ड पर आ गए थर्ड फिफ्थ पर आ जाओ वोट का था आप फिर बीच में बोल रहे हो चौहान साहब आप भी बीच में नहीं बोलेंगे नियम कानून सबके लिए है अभी आगे बढ़िए छोटे छोटे जवाब देंगे सबसे रिक्वेस्ट इस बात की केवल डिंगरा साहब देखिए इतनी बात तो आपको माननी पड़ेगी और नंबर का जो खेल है कि आप लोग इतने मजबूत है नहीं कि बीजेपी को सीधे टक्कर दे पाए आप लोगों को गठबंधन का सहारा भी लेना पड़ा वहां भी सीटों को लेकर झोल है ज्योति जी हम आप 2019 में अपने दम पे भी सरकार बनाएंगे आपको ये भी बता रहा हूँ और हमारी जो पार्टी है मैं आपको ये बता दूं कि जो गठबंधन है वो गठबंधन हमारे साथ पहले भी अलाई था अब भी अलाई होगा हम किसी को दरकिनार करके नहीं चलते जिस तरह से बीजेपी ने 4 साल के अंदर अपने सारे लोगों को दरकिनार किया आज वो उन्हीं के पास रिक्वेस्ट करते हुए अमित शाह जी फिरते हुए दिखाई देते हैं हम इस तरीके से काम नहीं करते हैं क्योंकि इस तरह से काम करने वाली भारतीय झूठ पार्टी है सिर्फ जिसका नाम बीजेपी है और आपको ये भी बता दूं मायावती अखिलेश ममता बनर्जी या दूसरी पार्टियां सभी लोगों ने कर्नाटक में जो जितनी बात रखी थी वो सभी लोग इकट्ठे हुए थे लेकिन आपको ये बता दूं जितने दल हमारे साथ होंगे हम चाहे पूरे कांग्रेस के साथ आने की जी अगर हम पूरे मैंडेट से सरकार बनाएंगे पूरी मैंडेट से और उसके साथ जितने दल होंगे वो भी हमारे साथ होंगे हम सबको साथ लेके तब अपनी सरकार चलाएंगे और 5 साल जो है पूरी सरकार पूरे दम से चलेगी और 2019 में सरकार बनेगी ये कहना कि ये लोगों के कहने से हमारी सरकार बनेगी ज्योति जी अगर ये इनके कहने से हमारी सरकार चलती होती तो 60 साल हम राज नहीं करते हम अपने दम पे राज करना आता है हमको और हम चर्चा जारी रखेंगे 2019 को लेकर क्या राहुल मोदी को टक्कर दे पाएंगे इस पर चर्चा जारी रखेगी इस ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद स्वागत है। तो सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प क्या है और साथ ही क्या राहुल विकल्प हो सकते हैं? गठबंधन किया गया है, महागठबंधन किया गया है, क्या 2019 तक जाएंगे और सीटों को लेकर कितना समझौता जो है कांग्रेस को करना पड़ेगा, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं खास पैनल के साथ। नवीन जी, आपसे सवाल ये है, क्या पुल का काम कांग्रेस कर सकती है कि जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे वहां सीटों को लेकर समझौता कर लेगी? हाँ, समझौता तो करेगी, पर मुझे नहीं लगता कि इस गठबंधन से कांग्रेस को कोई ज्यादा फायदा होगा। और जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि गठबंधन ही ठगबंधन है, ऐसी भाषा मेरे ख्याल से बीजेपी प्रवक्ताओं को शोभा नहीं देती, क्योंकि पूरा इतिहास अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा गठबंधन भाजपा ने ही किए हैं और गठबंधन करते वो यहाँ तक पहुंची है। तो कम से कम सत्ता के लिए गठबंधन कोई ठगबंधन मुझे नहीं लगता लोकतंत्र में, और टीवी डिबेट में बैठ के इस तरह की भाषा मुझे लगता है कि ठीक नहीं लगती। गठबंधन अपने आप में एक जरूरत है सरकार बनाने के लिए, और सब अपनी सुविधा के अनुसार एक दूसरी पार्टी को चुनते हैं। और देखिए कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के आपस में स्वार्थ जुड़े होते हैं, कोई देश के लिए गठबंधन नहीं करता, सीधे सीधे स्वार्थ जुड़े होते हैं, जहाँ जिस पार्टी के साथ जिसका स्वार्थ जुड़ जाता है। हाँ, सत्ता के लिए गठबंधन होता है, लेकिन क्या सत्ता मिल पाएगी वो भी सवाल। हाँ, सत्ता के लिए होता है। और बाकी कल को आज इनेलो और बीजेपी अलग अलग बोल रहे हैं, कल को ये गठबंधन हो जाए, हो सकता है इनेलो की इतनी सीटें आ जाए, हरियाणा में कांग्रेस बाहर से समर्थन देके इनेलो को दे दे, तो इनेलो मना थोड़ी करेगी। ये सिर्फ कहने की बातें होती है। जब सत्ता से बातचीत की गई, जैसे कर्नाटक में भी जब चुनाव हुए चौटाला परिवार की कांग्रेस के साथ, जेडीएस ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, जेडीएस ने कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसी को उसने गठबंधन। अभी बातें तो ये भी हैं जो कि केवल ढींगरा साहब की ओर से ब्रेक से पहले कहा गया कि एनडीए के कोई कई घटक वो हैं जो कि एनडीए से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, तो क्या आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, उनको मनाना पड़ेगा? हमारा अगर कोई घटक दल किसी वजह से नाराज भी है तो उसको हम मना लेंगे, हमको विश्वास है हमारे खेमे में, हमारे पास। अभी देखिए, मैं आज क्या ब्रेक से पहले ओके। हमारा अगर कोई साथी नाराज है उसको मना लेना, वो हमारा कार्य है, हमारा दायित्व है, हम उसको कर लेंगे। अभी नवीन जी ने कहा कि इस महागठबंधन को महाठगबंधन नहीं कहा जाना चाहिए। मेरा इस पर केवल इतना सा विनम्र निवेदन है कि गठबंधन राजनीति में और भारत की राजनीति में अपराध नहीं है, कानून सम्मत है, संविधान उसकी इजाजत देता है, देश की राजनीतिक परिस्थितियों की आवश्यकता भी होता है। मैंने नहीं कहा कि हमने गठबंधन नहीं किया, हम इसको ठगबंधन क्यों कहते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसका एजेंडा वो देश को ठगना है। केवल और केवल एक एजेंडा, नरेंद्र मोदी को हटाएंगे, केवल और केवल एक एजेंडा कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकेंगे, अपनी कोई विचारधारा कॉमन नहीं, केवल एक विचारधारा के भाजपा को रोकना है। साहब ज्योति जी, एक मिनट, मेरा एक और सवाल आपसे ही है। हाँ, नहीं मैं एक बार ये बात तो पूरी कर दूं मैं जल्दी। बीच में जब आप टोकते हैं तो फिर प्रवाह टूटता है। गठबंधन इनका किस किस से है, इस ठगबंधन हमने इसको क्यों कहा? नरेंद्र मोदी जी को सोनिया गांधी हटाना चाहती है, हमारे जोगीराम जी भी हटाना चाहते हैं, धींगड़ा जी भी हटाना चाहते हैं, और हाफिज सईद और पाकिस्तान भी हटाना चाहते हैं। ये सुन लीजिए, आप बीच में बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दूंगा मैं। आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप तय करेंगे मेरे एजेंडा, आप इनको इनको रोक पाएंगे आप क्या? ये बीच में क्यों बोलते हैं? मैं उत्तर देता हूँ जी। सरकार टूटी, चौटाला साहब के साथ आप बीच में ना बोला कर चुके हैं, वो गठबंधन कितना चला, हजीरा के साथ भी आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, कितना लंबे चल पाए, तो फिर वो भी माना जाए कि वो जो गठबंधन किए गए थे उनको बाकी पार्टियां बोल सकती है वो कैसे गठबंधन। इनको रोक लीजिए अगर मुझसे उत्तर चाहिए तो। उत्तर मेरा यह है, मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान की और हरियाणा की राजनीति में गठबंधन पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये बात कितनी बार बोलोगे? बोल रहे हो यार बीच में, जल्दी सर, तीन बार कर दो, मैं तो बोलूंगा, आप रोकेंगे मुझे? अरे कमाल, आप रोकेंगे? मैं रोकूंगा या नहीं रोकूंगा? आप ज्योति जी तो रोक लीजिए, बीच में सारा इनको रोकिए, हम भी बोल रहे हैं, ये तरीका हम भी अपनी बात कर रहे हैं, आप रुकेंगे? ये बेवकूफ बातें नहीं है, हम जो इस अपने वर्ड को सीमित करके वर्ड में बोले ना। ज्योति जी, ज्योति जी, अरे ये रोकेंगे मुझे क्या? ये रोकेंगे मुझे क्या? मुझे उत्तर नहीं देने देंगे? आपने इतना सा तो नियम है सर, ज्योति जी फर्क तो रखा जाए। ज्योति जी पैनल पर बोलेंगे और स्टेज पर बोलेंगे, उसमें तो बड़ा ज्योति जी मैं थोड़े समय में, ज्योति जी अगर बोलने नहीं देना तो डिबेट में कृपा करके मत बुलाएं। चौहान साहब, बहुत ही नम्रता से कह रहा हूँ, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, ज्योति जी आपने मुझसे प्रश्न पूछा, उत्तर सुन लीजिए जल्दी, आपको मेरा अधिकार है बोलना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने गठबंधन को लेकर मुझसे सवाल पूछा, ये बीच में क्यों उछल के आ रहे हैं? गठबंधन हविपा से भी हमारा रहा, हमारा इंडियन नेशनल लोकदल से भी रहा, हमने इनकार किया क्या? लेकिन इनके साथ वैचारिक मतभेद हुए, हम अलग हुए।
हमारा ये कहना है कि ये जो लोग हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं इनका एजेंडा क्या है, इनका एजेंडा देश का नुकसान पहुंचाना है, मोदी जी को रोककर देश की प्रगति की पटरी पर चलती गाड़ी को रोकना है, इनके पास एजेंडा पूछ लीजिए क्या है। रोकने के लिए जी दल इकट्ठे नहीं हुए थे क्या, कांग्रेस को रोकने के लिए राजनीतिक दल इकट्ठे हुए थे? लेकिन लेकिन वो सेकुलरिज्म एजेंडा है उनका, जो सेकुलर नहीं है वो सेकुलर होने का दावा करते हैं, इनका इनका एजेंडा हाफिज सईद तय करते हैं, कम्युनलिज्म में है, इनका एजेंडा हाफिज सईद तय करते हैं, पाकिस्तान तय करता है, ये स्पष्ट हो रहा है सबके सामने। अगर सीटों का समझौता भी करते रहे, गठबंधन भी बाकी पार्टियों की शर्त पर करते रहे, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पहले से जो कमजोर है और भी कमजोर हो जाएगी? ज्योति जी ऐसा है, 24 स्टेट तकरीबन हैं और 15 स्टेट्स में हमारे सीधा सीधा चुनाव जो है वो बीजेपी के साथ है, कहीं गठबंधन नहीं है। बाकी की स्टेटों में जहां गठबंधन है वहां हम गठबंधन के साथ लड़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? और आपको ये भी बताऊं, 24 स्टेटों के साथ जितने 15 स्टेटों में हम लड़ेंगे सीधे, उतने में ही हम सक्षम है कि हम अपनी सरकार बना सकते हैं, मैंने आपको पहले भी ये बात कही। लेकिन जहां तक ये जो चौहान साहब ने अपने गठबंधन ठगबंधन इस बात की, देखिए आपने एक डिबेट भी पिछले दिनों की थी जिसके ऊपर आपने कहा था कि ये ऐसे ऐसे वर्ड नहीं बोलने थे, मैंने आपको कहा था कि बीजेपी के लोग यही काम करते हैं, इनका इनका मकसद ही यही होता है। तो यहां ये बात आपने इनके मुद्दे पर कैसे सुन लिया? क्या तेजी से बोलना, क्या बहुत तेज बोलना, ये बहुत अच्छी बात है, क्या इनका खून खून और हमारा खून पानी है? देखिए देखिए अमित शाह आज की डेट में सभी दलों को ढूंढते फिर रहे हैं। आप ये शिवसेना के पास गए, उन्होंने ठुकरा दिया इनको, ये कभी हरियाणा में चौटाला साहब को ढूंढ रहे थे, उन्होंने भी ठुकरा दिया इनको। आप ये देखिए अलग अलग दलों के बीच में चले गए, सभी ने ठुकराया इनको, क्योंकि इन्होंने सबको सबके साथ इन्होंने धोखा दिया। अब ये जो धोखा देने वाली पार्टी है उसको लोग दोबारा से कहां से उनको गठबंधन करेंगे? इनके साथ अब कोई नहीं है, अपने आप गिर जाएंगे। जो जो लोग अपने लिए दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद ही उसके अंदर गिरते हैं, ये कहावत है, ये बीजेपी पे होगी। और इनका इंडिया शाइनिंग जैसे पहले बना था वही इंडिया शाइनिंग अब 2019 में कर चुके हैं। हरियाणा में केंद्र को लेकर आप बोलते हैं कि मायावती जो है पीएम होंगी, सुननी एक बार के लिए आपके, कुल मिलाकर राज्यसभा भी जिसमें शामिल कर लिया जाए 3 ही सांसद हैं और बीएसपी जो पार्टी है उसका कोई सांसद नहीं है। आप लोग बातें बहुत बड़ी करते हैं ज्योति जी। दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन करके देख लिया जनता ने या पार्टियों ने, दोनों ने ही धोखा दिया आम आदमी को, मजदूर को, किसान को। अब ये कह रहे हैं कि देखो हरियाणा में हर लोग सड़क पर है, कर्मचारी ले लो, दूसरे व्यापारी ले लो, किसान ले लो, कोई खुश तो नहीं है इनसे ना, तो उनके लिए कोई अल्टरनेटिव चाहिए, उनको एक अल्टरनेटिव चाहिए और रीजनल पार्टी। हाँ लेकिन ये नहीं होता, ताऊ देवीलाल जी केवल यहीं से हरियाणा से ही शुरू किया था उन्होंने अपनी मुहिम और पूरे इंडिया में करते करते थर्ड फ्रंट को उन्होंने खड़ा किया। अभी ये हमारी पहल है और इसको हम आगे तक लेके जाएंगे पूरे कंट्री में। ये मायावती जी का हमने बोला, बहन मायावती जी का, कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगी, यूपी से होगा उनका, जो चार बड़ी स्टेट है, चार बड़ी स्टेट है, नहीं जाएंगे आप देख लिए, एमपी का आ गया, एमपी से आ गया ना क्लियर, हम अलग लड़ेंगे और हम राज्य में गवर्नमेंट बनाने की हमारे पास होगी जो उनके प्रेसिडेंट ने बोला। ऐसे ही आप यूपी में, बिहार में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में देखिए, कहाँ है कांग्रेस का जनाधार? कहीं भी नहीं है। ये थर्ड फ्रंट ही रीजनल पार्टी है जो लोगों का भला कर सकती है, लोगों का भला करेंगी, वही लोगों की समस्याओं को जानती है। पार्टी जो है वो सब बीजेपी को छोड़ रही है और कांग्रेस को भी छोड़ रही है। बीजेपी को कितनी छोड़ गई है, शिवसेना लगा लो, अकाली दल लगा लो, आंध्र प्रदेश से लगा लो, सब छोड़े जा रहे हैं, ऐसे कांग्रेस का छोड़े जा रहे हैं। आपको लगता है कि छोड़ रही है कांग्रेस को, इतने सरकारी हैं कि यूपी की बात कर ले जाए, बिहार की बात कर ले जाए, उनको गठबंधन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी 2019 में? देखिए गठबंधन बड़ा मुश्किल काम है कि चुनाव तक पहुंचते पहुंचते ये फॉर्मेशन ले पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है कि ये बिहार में भी एक गठबंधन किया था उन्होंने, तब समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह लीड कर रहे थे पूरी तरह से,
जब वो एकदम उनको पूरा एक मुखिया ही बना दिया गया था कि ये गठबंधन के मुखिया होंगे और वो मुखिया ही पीछे हट गए तो गठबंधन नहीं हो पाया। तो अभी बड़ा कहना मुश्किल है, ये क्षेत्रीय दलों की भी जहां मजबूरियां होंगी तब क्षेत्रीय दल मजबूर होंगे। गठबंधन का मतलब ये है कि बड़ी मजबूरी का सौदा, ये मजबूरी में एक दूसरे के करीब आके किसी तरह से काम चलाने वाली स्थिति होती है, जैसा कि कर्नाटक में हुआ या कहीं भी होता है, कई प्रयोग दोहराए जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति है, लगता नहीं कि ये बहुत फॉर्मेशन महागठबंधन जिसको कहते हैं ना, ये यूपीए का तो रिवाइवल हो सकता है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व के जो घटक थे उनको लेकर दोबारा चुनाव लड़ने की स्थिति में आ जाए और किसी तरह से मुकाबला करे बीजेपी का। तो ये तो है कि सेंट्रल पावर जब भी मजबूत हो जाती है, जब कांग्रेस मजबूत थी लगातार तो तमाम जो है इंदिरा हटाओ कांग्रेस हटाओ का नारा चलता था, और आज ये अगर मोदी हटाओ का नारा है तो ये तो एक राजनीति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि साहब ये कोई स्पेशल उनके लिए ही चलाया जा रहा है, तो मोदी जी के लिए ही आ गया ये, ऐसा नहीं। देखिए मेरा ये कहना है, सारे राजनीतिक परिदृश्य का बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट सा विश्लेषण करेंगी तो एक बात स्पष्ट होगी कि ऑल इंडिया कंफ्यूज्ड एंड करप्ट पार्टी जिसको हम कह सकते हैं, कांग्रेस कमेटी जिसको आप कह रहे थे धींगड़ा जी, उसको ही स्पष्ट नहीं है कि वो अपने दम पर सरकार बनाएगी कि मायावती देवेगौड़ा मुलायम सिंह इनको साथ लेकर चलेगी। अभी धींगड़ा जी ने स्पष्ट कर दिया हम तो अपने दम पर बना लेंगे, तो दम है नहीं दम पर सरकार बना लेंगे। मायावती का एक सांसद है नहीं दूसरे कहते हैं हम उनको प्रधानमंत्री बना लेंगे। हाँ। सूतना कपास जुराही लट्ठम लट्ठा, इनके इनमें से किसी राजनीतिक दल की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल 2019 में टक्कर देने की स्थिति में हो। फिर दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, जब गठबंधन बनता है कामयाब गठबंधन के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। मजबूत गठबंधन के लिए कामयाब होने के लिए एक मजबूत नेता की आवश्यकता होती है। क्या राहुल गांधी में वो दम है? क्या राहुल गांधी में वो दम है? ये स्पष्ट हो जाए। गठबंधन अगर जीत की तरफ बढ़ता होता तो जनता को भी एक पॉजिटिव संदेश जाता, पर ये गठबंधन पूरा का पूरा हराने के लिए है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना इसका नेगेटिव पक्ष यही है, अगर इसको पॉजिटिव दिशा में लिया जाए कि हम बनेंगे जीतेंगे, नहीं मोदी को रोकना है, ये मोदी को हराना है, मोदी को रोकना है, ये मोदी को समझौता करना पड़ेगा और सीधे मुकाबला जहां बीजेपी के साथ होगा वहां कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ पाएगी इस पर चर्चा की।